once again and thank you for watching the first episode. हम लोग लगा रहे हैं कहीं New York में या कहीं ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं. दुबई दुबई कर लेते हैं. आसान कर लो आसान कर लो. New York नहीं दुबई कर ले. अगर आपको लग रहा है दुबई में खड़े नहीं नहीं ये कराची है. तब्दील हो गया है. जो हाँ जो लोग ये जगह तब्दीली आ नहीं रही. तब्दीली आ गई है. ये इस जगह पे सिर्फ यहाँ पर ये डिफेंस कराची क्लिफ्टन का एक इलाका है जहाँ पर ये बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है. दिखाए बिल्डिंग दिखाए अलाडी बिल्डिंग. ये बिल्डिंग बन गई है. मुझे नहीं लगता अमेरिका के वो सिर्फ यहाँ से बिल्डिंग देख के को फील करते हैं ना कि हाँ अमेरिका. तो मेरा दोस्त तो भाग के मेरे घर आ गया था. कहने लगा मम्मी पापा को दुबई गया हुआ. उसके बाद उसने यहाँ फोटो का खिंचवाई बहुत सारी भेज दी कि भाई देखें मैं दुबई में हूँ. सबने मान ली. बस यही है दुबई खाली इतना सा पोर्शन. लेकिन दुबई में वो आ रहा है पीएसएल हो रहा है. पीएसएल में जो कल का मैच है वो दो इस्लामाबाद और देखो आफरीदी वर्सेस मिसबा. ओह अच्छा मिसबा बाद में रिटायर्ड हर्ट चल रहे हैं. उनकी कमर में उनकी उम्र ऐसे से बढ़ती जा रही है. इसी टूर्नामेंट में वो 45 साल के हो गए हैं तकरीबन. क्योंकि कमर का वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आफरीदी 45 से ऊपर के हो गए होंगे. अब वो आईडी कार्ड में झूठी है जितना तो एक अलग बात है. लेकिन हमेशा किट बैग में भी जो है उनके जोड़ों के दर्द के अलावा काला कोला भी रखते होंगे. हाँ के बाल काले करें. अब वो बाल अहमद शहजाद काले करते थे. अब वो दूसरी अब कौन करेगा भाई. हाँ अब वो अहमद शहजाद की जगह किसी और को फ्री करना पड़ेगा. अहमद शहजाद तो नहीं. देखो जब जो भी बाल काले करेगा वो टीम से बाहर हो जाएगा. ये मुझे पता है. अच्छा नहीं वैसे अगला बेटा उनका कौन है. अगला मैच आफरीदी वर्सेस मिसबा. मिसबा लेकिन मिसबा इंजर्ड है तो वॉटसन जब से टीम में आए हैं वो टीम जीत रही है उनकी. कल का मैच हार गए थे वो लोग बुरे तरीके से क्योंकि कोटा की टीम को कोई भी नहीं हरा पा रहा. कोटा की टीम बहुत अच्छी टीम है. ऐसी टीम है कि वो बार उनकी बेंच वो हिम्मत पे खेल रही है. अभी उनकी बेंच पे विव रिचर्ड बैठा था. किंग रिचर्ड बैठा होता है तो उनको कौन हराएगा भाई. विव रिचर्ड मेंटोर है उनके. और इनफैक्ट जो पेशावर की टीम है उनके नहीं बल्कि जो पेशावर की टीम के मेंटोर हैं. नहीं पेशावर की टीम इस्लामाबाद की टीम के मेंटोर है वसीम अकरम. हां इस्लामाबाद वो उस टीम को भी बड़ा कुछ अच्छी मॉरल सपोर्ट मिली हुई है फ्रॉम द ग्रेट किंग ऑफ स्विंग जो है. नहीं तो ऐड अब 6 ऐड मिल जाएंगे उनको क्योंकि हर ऐड में तो वसीम भाई हैं. वसीम भाई हर ऐड में हैं. वो पुरानी टीम वाले अभी भी खा रहे हैं. अभी भी खा रहे हैं वसीम भाई को. मुईन खान को देखें आप. चिप्स खाने के चले गए थे कैसीनो. मुईन खान चले गए कह रहे हैं फिशन. नहीं नहीं फिश एंड चिप्स खा रहे थे कैसीनो में. कहाँ पर थे. वेगस में. नहीं नहीं सॉरी न्यूजीलैंड में फिश एंड चिप्स खाने गए कैसीनो बीवी के साथ. चिप्स खाने गए कैसीनो. मगर क्यों अबे यार खेलने गए. हाँ लेकिन वो खुद नहीं खेल रहे ना वसीम अकरम. लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं या मेंटोर कर रहे हैं तो उसके बाद वो जितना भी बच्चे खेलेंगे वही खेलेंगे ना. उनकी शुगर जो है ऊपर नीचे होती रहती है. जिस तरह की परफॉर्मेंस इस्लामाबाद की टीम की है इंसुलिन के टीके जो है लगा अब जगह खत्म होगी क्योंकि कभी उनकी टीम बहुत अच्छी होती है कभी गिर जाती है. तो उनका मैच है कल पेशावर से. पेशावर जो कि सिर्फ क्वेटा से हार है. अभी पेशावर की टीम का जो बेस्ट प्लेयर है सर बताऊँ कौन है. वो मोहम्मद असगर है. असगर से जब इंटरव्यू लिया गया तो उसे बोला गया कि आप में कितना मुश्किल कैच कैसे ले लिया गया था. हमारा पठान का बड़ा बड़ा हाथ है. बड़े मशहूर हो गया वो बंदा. नॉट बैड. उसकी गेंद को खेल नहीं पा रहा लेकिन वो वर्ल्ड कप में नहीं है. T20 वर्ल्ड कप में सुन लिया कि कहते हैं छोटा है. अभी वो नवाज को लिया है. नवाज कोयटा का प्लेयर है. वो भी अच्छा स्पिनर है और बैट्समैन अच्छा है. अच्छा दो बंदे बैठे हुए हमारी वर्ल्ड कप T20 की टीम के अंदर. दो बंदे नए ऐड हुए हैं जो बिल्कुल नहीं खेल. नवाज एक है और दूसरा एक और भी है. खुर्रम मंजूर तो चलो पुराना है. हां मंजूर पुराना है. खुर्रम मंजूर इज गुड. इफ्तिखार अहमद. इफ्तिखार और मैच है उनका. किससे किससे मैच है. इस्लामाबाद से. तो इस्लामाबाद के बर्गर इस्लामाबाद के वो हैं भाई अली जफर हैं उनके पीछे. इस्लामाबाद की टीम का गाना भी अली जफर ने बनाया है. पता है. हाँ अली जफर ने बनाया. अच्छा गाना है. गाना अच्छा है. और उनकी टीम थोड़ी बर्गर सी भी है. तो गाने से जीत रहे हैं. गाने से नहीं जीत रहे. माइक लेके जाए ग्राउंड में. वो बॉल करा गाना गा दे. नहीं जब से मिसबा गया जब से जीत रहे हैं. या लेकिन आमिर ने एक हैट्रिक की थी. मुझे उसकी जिक्र हम करना भूल गए थे. पिछले मैच में आमिर ने हैट्रिक की थी. वो पीएसएल की पहली हैट्रिक है. मेरे ख्याल वो आखिरी होगी. अभी कोई नहीं कर पा रहा बॉलिंग. सलमान भट्ट और आसिफ भी आ जाए वो भी अच्छा खेल. हाँ हमें जो लोग बाहर बैठे हैं वो सोच कुछ यार प्लेयर्स कर रहे हैं. उनकी उनकी प्लेइंग पे डाउट नहीं था. उनके इंटेंशन पे डाउट था कि खेल किस पैसे के लिए. तो छुपके कर लेते यार. इतना खुले हम. देखो यार बन रही है पाकिस्तानी कौम तो बोलती है कर लो लेकिन पकड़े ना जाओ. पकड़े ना जाओ. तो बहरहाल मैच किसका है जी. एक मॉडल आफरीदी वर्सेस शेन वॉटसन की टीम का मैच है. और वॉटसन की टीम देखी जाए तो उनके लिए ये चांस है जीतने का और वापस आने का. आफरीदी की टीम तो जीत रही है. एक मैच हारी है खाली. तो यहाँ से वो गड़बड़ कर सकते हैं. लेकिन शारजा में हराना बहुत मुश्किल है यार. कैसे हरा सकते हैं यार इनकी टीम को. प्लेइंग पे है. प्लेइंग अच्छी करेंगे तो जीत जाएंगे. I think enough said. We should watch the match and see क्या result आता है. जो भी result आएगा. कौन जीतेगा? या मैं पेशावर. On this we are in sync कि अबे पेशावर जीत जाएगा. हम चाहते हैं पेशावर जीते. हाँ.
But I'm glad कि जो owner है team के इतना बड़ा वो लेके दिल रखते हैं exactly कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं so hats off to you. कुछ दिनों बाद छठे मैच में वो खुद खेल लेंगे जितने वो शौकीन लगते हैं. शौकीन है छठे मैच में वो. लेकिन ये काम वाले शौकीन नहीं कर सकता जो team ही खरीद ले कर ले वो. नहीं वैसे overall अगर देखा जाए तो जितनी भी दुनिया में लोग हैं वो शौकीन लोग. नदीम उमर शौकीन आदमी है तो उन्होंने ये टीम खरीदी सही है ना. वो जो मुच्छड़ हैं वो जो लाहौर की टीम के साथ हैं अंकल शिल्पा शेट्टी उनके हस्बैंड शौकीन लोग थे. वो क्या कर रहे हैं जेल में थे बस निकलना है क्या हुआ उनका वो बट हाँ बहरहाल तो ये जो एक और चीज मशहूर है पाकिस्तान में हर चीज के भाई. लेकिन अभी मैच है पेशावर का मैच है और अहमद शहजाद बददुआएं दे रहा होगा अफ्रीदी की टीम हार जाए अल्लाह हार जाए अल्लाह हार जाए पूरे तरीके से हार जाए बिल्कुल ऐसे ही है कि टीम से बाहर कर दिया आपकी टीम वर्ल्ड कप हारी तो अहमद शहजाद की बददुआएं लगेंगी. तो पीएसएल की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पाकिस्तान सट्टा ली गई है और ये सब फिक्स्ड है मैचेस और ये सब हो रहा है और आई डोंट थिंक फिक्स्ड है. वैसे मैं ये वही मिथ बस्ट कर सके ये ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं है. सट्टेबाजों को एक पाकिस्तानी सट्टेबाज जो है उनको एक अपनी लीग मिल गई है जिससे सट्टा लगा सके दैट्स इट. पकड़े ना हम लेते हैं इस मौके में ब्रेक और हम जा रहे हैं वापस आज भी नहीं लौटे. मुबारक हो चलते हैं ऑलराइट पेशावर. हाँ पेशावर पेशावर पेशावर.